दोस्तों आज हमारे बीच एयर मार्शल MS बाबा जी मौजूद हैं, नेशन के प्राइड हैं। और आज दो बातें हम सर जी से करेंगे। जो आने वाला समय है, जैसे आज हम अपना 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहे हैं, जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे, तो जो 1947 से आपने भारत देखा है और आज का भारत और 25 साल का भारत कैसा देखना चाहेंगे बाबा जी आप? जब आपने भारत 47 में देखा था तो उस वक़्त तो बहुत रीसेंट था, जब हमको आज़ादी मिली है कुछ नहीं हुआ। जो आज तक भारत है, भारत हैज़ गॉन माइल्स एंड माइल्स अहेड। नाउ टुडे वी आर इन ए गुड फाइटिंग पोजीशन। दैट इज़ व्हाई चाइना लास्ट टाइम ट्राइड टू पुट थ्रेट टू अस, बट वी पुट डग आवर हील्स इन एंड दे बैक डाउन। They backed out because we were prepared and we would given them a bloody nose. लेकिन जिस तरह से आज हमें G20 की अध्यक्षता मिली है, कैसा लग रहा है आपको? अबे बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी साहब ने जो किया है और दुनिया को रास्ता दिखाया है पीस का, रशिया को भी पता है कि हम पीस के लिए खड़े हैं, अमेरिका को भी पता है हम पीस के लिए खड़े हैं, बट हम अपना ताकत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। जो हम आज हैं वो हम पहले नहीं थे। हम दुश्मन को ये बता देना चाहते हैं कि अब हम वी विल टेक देम ऑन। अभी आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन और रशिया के बीच जो वार चला हुआ है, जो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ शांति का माहौल पूरे देशों में बनता जा रहा है, भारत जो है शांति का दूत बनता जा रहा है, बाकी देशों के लिए उदाहरण है। तो क्या इस समय क्या ये युद्ध रुक जाना चाहिए? वैसे तो होना ही नहीं चाहिए था, पहले तो ये होना नहीं चाहिए था और अब जल्दी से जल्दी रुकना चाहिए। रशिया पता नहीं क्यों अपने पाँव को घसीट रहा है, अभी बात नहीं कर रहा है, बट लॉन्ग रन में रशिया विल लूज। और इस तरह से जो अदर देश है उन पे भी गलत इफेक्ट पड़ रहा है। गलत इफेक्ट बन रहा है बिकॉज ए वॉर इज नेवर ए पेएबल थिंग। ए वॉर विल नेवर ब्रिंग यू पीस एंड विक्ट्री इन द लॉन्ग रन। पीस इज व्हाट ब्रिंग्स यू एवरीथिंग। आजादी का अमृत महोत्सव काल जो हम मना रहे हैं, जब 100वां मनाएंगे तो क्या देश में भूखमरी, गरीबी, बच्चों को पूरी तरह से शिक्षित किया जा पाएगा? ये अब बहुत जल्दी से बहुत जोर से इनको कंट्रोल किया जा रहा है। अब देखिए, अब यूपी में जितना गड़बड़ होता था अब वो गड़बड़ नहीं है, अब उसमें उसके अंदर एक्शन लिया जाता है। इसलिए भरोसा यही है कि एवरीथिंग विल बिकम ऑलराइट। सर जी ने मैसेज दिया है आम जनता के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, कि इस तरह का जो युद्ध है किसी भी एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। हमें मिलके रहना है, शांति बनाए रखनी है, और हमारा देश जो है शांति प्रिय देश है, लोगों को उसमें सीखना चाहिए। तो जो आने वाली जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए ये मैसेज है कि आपको कमज़ोर नहीं होना चाहिए। कमज़ोर होगे तो लड़ाई होगी आपके साथ होगी, अगर आप ताकतवर होगे तो लड़ाई को रोकोगे, लड़ाई आने नहीं दोगे। ये मैसेज है कि नेवर अलाउ द कंट्री टू बिकम वीक। बाबा जी, उन बच्चों के लिए जो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में हैं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी जो BSF, CRP, ITBP, CISF, SSB में हैं, देश के लिए अपनी जान देते हैं, देश के लिए काम करते हैं, ताकि जो है हमारी सरहदें जो हैं वो सुरक्षित रहें, हम यहाँ आराम की नींद सो सकें, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका जो अभी वेट फोर्स में ऑन ग्राउंड ड्यूटी कर रहे हैं? उनके लिए यही मैसेज है कि हमको कमज़ोर नहीं होना चाहिए, कंट्री को गरीब नहीं होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, ताकि लड़ाई लड़ सको। ये मैसेज हमने 100 साल नहीं दिया था। हम गरीब कंट्री गिने जाते थे, कुछ नहीं। आज हमारी इकॉनमी काफ़ी ज़ोर पे है और सबसे जल्दी बढ़ रही है, तो हमको ये रास्ता रखना चाहिए। हमको ताकतवर होना चाहिए पर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। जो अगर आप तैयार रहोगे तो दुश्मन नज़दीक नहीं आएगा।
थैंक यू वेरी मच। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है। आज भी आपका जोश वैसा ही है जैसा उस टाइम था बॉर्डर में जो लड़ाई उस टाइम लड़ी गई थी, आज भी सेम जोश आपके अंदर है। बहुत खुशी होती है कि आज भी एक जवान के अंदर वही जवानी है जो उस टाइम थी। ऐसे ही होनी चाहिए, जब आपने सर हथेली पे रख लिया है तो फिर मरने से डरना नहीं चाहिए। तभी तो मैं कह रहा हूँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जो लोंगोवाल में लड़ाई लड़ी गई थी उस टाइम के कुछ क्षण जो हैं वो आप आम जनता के साथ शेयर कर सकते हैं, तो कुछ दो शब्द कहें कि जब ऐसी स्थिति थी कि उस टाइम भी हमारा देश में बड़ा अटैक हो सकता है जो आपके द्वारा रोका गया था। अगर वो रोकता ना तो यह खां जैसलमेर पूरा ले जाता, हवाई अड्डा तो जाता ही जाता, फौजें भी दोनों आर्मी और नेवी के आर्मी और एयरफोर्स की जाती, टाउन चला जाता, राजस्थान पूरा गया था, एयरफोर्स पूरा चला जाता, आर्मी जितनी उस एरिया में थी वो मारी जाती। वो एक हमारे पांव गाड़ लेने से, दुश्मन को रोक देने से ये फायदा हुआ कि हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। पर मेरे को अफसोस बड़ा हुआ जब सिनेमा देखते हुए 60 आदमी धुएं में मारे गए, इधर धुएं में 60 आदमी मारे गए, क्योंकि मालिक सिनेमा का ज़्यादा सीटें लगा के दरवाजे जो बाहर को खोलने चाहिए थे, प्रेशर पड़े अंदर तो बाहर खोलने चाहिए, वो अंदर को खुलते थे, जो अंदर से प्रेशर होता था वो और ज़्यादा बंद होते थे। ये 60 आदमी मारे गए, थोड़ी सी अकल नहीं लड़ाई। वो दिल्ली में उपहार सिनेमा का जो कांड है बहुत बड़ा कांड था उस टाइम, आज भी वो उपहार सिनेमा बंद पड़ा हुआ है, मालिक जो है जेल में है, और उन जवानों ने जो बॉर्डर फिल्म देखने गए थे वो भी एक किस्म के जवान ही थे जो शहीद हो गए ये फिल्म देखते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ऐसा जोश रखना चाहिए हर इंसान हिंदुस्तानी को, जितना आपके अंदर है उतना जोश रखना चाहिए। वी हैव लिव्ड इन जामनगर फॉर लॉन्ग टाइम, आई वेंट फ्रॉम जामनगर टू फाइट द वॉर, बॉर्डर फिल्म। सो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव, सो व्हाट मैसेज यू वांट टू कन्वे टू द यंग डिफेंस वॉरियर्स? One should never give up the hope. War is basic thing is morale. If you give up your morale, you have lost the war already. But you have to give the boost to your people under you to tell them that they have to stand up and fight. Because I was told by the army to run away if I could. They said we cannot save you. So I said no, I have come here to fight. And I shall fight. You stay away from here and don't come in my way. They still ignored my word to them, and they came in front of me and I knocked those fellows also. ये मेरे birthday की है, ये मेरी wing commander की, ये लड़ाई इसमें लड़ी थी। Air Marshal. Sir, I think you should write an autobiography type. A book you should write and your story of your bravery. She's written. You've written books. Okay, video recording Sam. सारी लड़ाई की है। बरकुतुल्ला खान राजस्थान का एक फाइल लेके आया था कि मैं आपको 1500 गज का प्लॉट जयपुर में दे रहा हूँ अपने घर के बाहर। मैंने कहा सर, आई डोंट टेक एनीथिंग, आई हैव डन माय वर्क इन यूनिफॉर्म, आई डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग, थैंक यू सर। लोग जा रहे के लिए टैंक ऐसे भाग रहे थे, गोली नहीं मिली। The real warriors survive in these situations also. They are witty and daring. In these situations, they are still surviving and fighting for a nation. That is reflected. This is Pakistani soldier. The army cadet Sogdal command telephoned to me, conveyed its thanks for the excellent work done by our pilots in Rajasthan sector. I am happy to note the aggressive spirit with which they have carried out the attacks against the enemy.
armor and lines of communication. Please convey my appreciation to all the squadrons participated in the strikes.